अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अपना अपना घर सारे ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आज मैं आपको फुलकों के साथ डिफरेंट टाइप के रैप्स बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फुलका ले लिया एक, को हाफ कट लगाना है दरमियान में। अच्छा, फुलका लेते टाइम आपने ये ख्याल रखना है कि फुलका नरम हो और ठंडा हो, गर्म नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड है फैला देंगे, उसके बाद प्याज के स्लाइस रख देंगे। आप टमाटर के स्लाइस रख देंगे इनके ऊपर ही। आप फ्राइज फैला देंगे। अब टेंडर पास मैंने फ्राई कर लिए थे वो रखें। और आप मोज़रेला चीज वो फैला देंगे इसके ऊपर। इसको बहुत एहतियात के साथ रैप कर लेंगे। पहले तमाम रैप की फिलिंग रेडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये दूसरा फुलका लिया, इसके ऊपर पुदीने की चटनी फैला दी है, उसके ऊपर ही थोड़ा सा चिली सॉस, उनको आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कबाब रख लिए, प्याज के कतले, और मोज़रेला चीज। इसको भी रैप कर लेंगे। अब यहाँ पे अचार को फैलाया है, अचार को अपने अच्छे से क्रश कर लेने, पुदीने की चटनी, इसके ऊपर ही फ्राइज रख लेंगे। ये सब दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने एक फुलका लेना है सादा सा, उसके ऊपर जिस चीज़ की चाय आप फिलिंग करें और अच्छा सा रैप रेडी कर लें। अगर घर में कुछ नहीं है दही तो होगा ही, आप चिप्स के साथ, निम्बू के साथ, केचप के साथ एक अच्छा सा रैप रेडी कर सकते हैं। शाम मोज़रेला चीज़ फिर मैंने रख दी, इसको भी रैप कर लेंगे। और ये रैप मैं तो लंच के लिए रेडी कर रही थी, आप रैप को नाश्ते में भी कर सकते हैं रेडी। आपने करना क्या होगा, आपने क्रीम लेनी होगी, चॉकलेट स्प्रेड लेना होगा, फ्रूट लेना होगा, कोई भी जैम ले लें, मैपल सिरप ले लें, इनके साथ अच्छा सा रैप रेडी कर लें। तवा मैंने गर्म करना रख दिया था, दोनों तरफ से पहले ऐसे सेकेंगे, फिर ऑयल, घी, मक्खन जो आपको पसंद हो वो लगा के अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है। अब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी रेडी हुआ है, और मोज़रेला चीज कैसे मेल्ट हो रही है। तो ये जी हमारे सारे रैप रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको घर पे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।